एक्सट्रीम ड्राइव की वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस लाल वाले बटन को दबा के, और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर लेटेस्ट अपडेट से साथ आप बने रहें। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एक्सट्रीम ड्राइव पे। आज हम खड़े हैं थाई सेडान के सामने, जो इंडिया में 2013 में लॉन्च हुई थी। ये सेकंड जनरेशन है होंडा अमेज। सबसे पहले असेंबली इसकी थाईलैंड में हुई थी, फिर इंडिया में हुई थी, अभी इस इंडोनेशिया में भी होती है, इंडिया में नोएडा में होती है। चलो अब हम शुरू करते हैं रिव्यू। गाड़ी को अब हम करते हैं अनलॉक। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आपको मिलती है होंडा की काफ़ी हनी थ्रोम ड्रिल, और काफ़ी एग्रेसिव लुक दे दिया है एकदम होंडा सिविक की तरह या आप सिटी की तरह। इधर आप देख सकते हैं एलईडी हेडलैम्प्स विद डीआरएल्स। इधर नीचे आपको मिलती है फॉर लैम्प्स। इधर आपको मिलता है पेंड्रिल, और इस ड्रिल का उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। और एक मैं आपको बात बता रहे थे, i-VTEC का है। बेस मॉडल शुरू होता है 5 लाख से, टॉप मॉडल जाता है 9 लाख तक, और ये है 7,58,000 का मॉडल 1.2 i-VTEC VX। ये पेट्रोल मैनुअल में टॉप है। इसमें आपको डीजल का ऑप्शन आता है, डीजल में सीवीटी जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, पेट्रोल में भी सीवीटी। ये टॉप मॉडल है पेट्रोल। इसमें आपको मिलती है 175/65 R15, और बेस मॉडल में मिलती है आपको 14 इंच टायर्स। ये काफ़ी स्मॉल टायर्स है, आप आफ्टर मार्केट इन्हें अपसाइज भी करवा सकते हैं। इसे आप लोअर से डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक ठाक है। अगर इसमें डायमंड कट मिलती है तो ज़्यादा अच्छा। फ्रंट में आपको मिलती है डिस्क, रियर में आपको मिलती है ड्रम। इसको ओवर भी उसमें आपको मिलती है इंडिकेटर्स। मैं एक बार आपको इसे इंडिकेटर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इंडिकेटर्स लगते हैं। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल है। इधर आपको मिल गया कीलेस एंट्री फ्रंट के दोनों डोर्स पर, जो होंडा ने काफ़ी अच्छी बात की, वरना कई कंपनियाँ क्रॉस कटिंग कर लेती है। जैसे कि आप इसे डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी एरोडायनेमिक डिज़ाइन पे बनाई गई है। इधर आपको रियर में ड्रम्स प्लेट मिलती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छे। ऊपर आपको रूफ पे शार्पिन एंटीना मिलता है। अब हम चलते हैं इसे रियर पे, और मैं आपको इसे रियर से दिखाता हूँ अमेज कैसी अच्छी कैसी लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेज रियर से एकदम होंडा सिविक की तरह लगती है। ये VX की, इधर आपको VX की बैजिंग मिलती है, i-VTEC की बैजिंग मिलती है। इस रियर में आपको कन्वेंशनल टेल लैम्प्स मिलते हैं। रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी होंडा प्रोवाइड कराती है, 1, 2, 3 और 4। साथ ही में इधर आपको रिवर्स कैमरा मिलता है। इधर आपको नीचे एग्जॉस्ट मिलता है। अगर आप अमेज ले, अगर आप यही मॉडल लेते हैं, तो आप प्लीज़ इसे मॉडिफाई कराए आफ्टर मार्केट इसे एग्जॉस्ट को, तो काफ़ी अच्छी रहेगी। इधर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है, पीछे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी एग्रेसिव, आगे से भी एग्रेसिव, पीछे से भी। इधर आपको अमेज की भी बैजिंग मिलती है पीछे। इधर आपको रियर डिफॉजर मिलता है शीशे पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेफ्टी वाइज दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अब हम चलते हैं इसी रियर सीट्स पे और देखते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी के अंदर चलते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये है गाड़ी का रियर डोर प्रोफाइल। इधर आपको मिलता है हैंडल अनलॉक और लॉक के लिए। इधर आपको मिलता है पावर विंडो से कंट्रोल। इधर आपको मिलती है 1 लीटर बोतल होल्डर, और साथ में कुछ और भी रख सकते हैं। टोटल इसमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं आपको। इधर आपको मिलती है स्टफ प्लेट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्रोम की सब प्लेट्स नहीं मिलती, ना ही एलुमिनियम फिनिशिंग, प्लास्टिक की मिलती है। ये दोस्तों गाड़ी में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक एंड बीज। और दोस्तों ये जो इसे पावर विंडोज़ है वो वन टच नहीं है, पर ऑटो है। एक बार मैं आपको इसे रियर सीट्स का फैब्रिक का पैटर्न दिखा देता हूँ कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पैटर्न ऐसा है जैसे पुरानी अमेज में भी आता था। अब हम चलते हैं इसे अंदर और देखते हैं कंफर्टेबल है या नहीं। दोस्तों हम इसके रियर सीट में आ चुके हैं। आप जैसे देख सकते हैं, मैंने ड्राइवर सीट पूरी की पूरी पीछे रख दी है, और मेरे पास फिलहाल भी काफ़ी मतलब है, लेग स्पेस है। मतलब ऐसी बात नहीं है जैसे इस सेगमेंट में और भी जैसे गाड़ी है, जैसे स्पायर है, उसमें तो लेग स्पेस है ही नहीं रियर सीट पर। अगर आप पूरी सीट पीछे कर दो तो इसे सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। इधर आप तो रियर में आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। देख सकते हैं ड्राइवर साइड पूरी पीछे है, और जो कॉर ड्राइवर साइड है वो पूरी आ गया। आप इसे लेग रूम देख सकते हैं, प्लेंटी ऑफ लेग रूम है दोस्तों इसमें। इधर आपको मिलता है 12 V का पावर आउटलेट, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इधर आपको मिलता है बोतल होल्डर, कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता। रीडिंग लैंप है, उसमें आपको मिल गया एक हैलोजन लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं पुरानी होंडा सिटी मात्रा, होंडा सिटी ZX, होंडा सिटी i-VTEC, और नई वाली में तो आजकल LED लाइट्स आती है। एक बार मैं आपको इससे रियर से डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब रियर सीट्स पर अब इसमें कुछ है नहीं। अब चलते हैं हम फ्रंट पे और देखते हैं इसे फीचर्स। दोस्तों फ्रंट पे जाने से पहले एक बार मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। रियर में सेफ्टी फीचर में इधर आपको मिलती है आइसोफिट सीट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे फ्रंट पे।
चलिए दोस्तों, अंदर जाने से पहले मैं आपको इसे फ्रंट डोर प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इधर आपको मिल गया कीलेस एंट्री। अगर आपके हाथ में की है तो आप जैसे हैंडल में हाथ डाल के गाड़ी अनलॉक हो जाती है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इधर आपको मिलती है ऑटो विंडो से कंट्रोल्स, पावर विंडो से। फ्रंट जो ड्राइवर साइड विंडो वो वन टच है। इधर आपको ओ आर वी एम से कंट्रोल मिलते हैं, इसे आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको उसे रिट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। इधर आपको मिलती है 1 लीटर बोतल होल्डर की जगह, साथ में कुछ और भी रख सकते हैं। इधर आपको मतलब अपना मोबाइल या कोई कॉइन से ज़्यादा रख सकते हैं। इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, साथ में सॉफ्ट मटेरियल से होंडा ने यूज़ किया है। इधर आपको अनलॉक हैंडल मिलता है, मतलब मैट एल्यूमिनियम फिनिश में। लॉक अनलॉक कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर आपको स्पीकर्स मिलते हैं। इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स है। और एक बार मैं आपको इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे आप पैडल्स देख सकते हैं, मतलब स्पोर्टी पैडल नहीं है दोस्तों। जो पुरानी अमेज में जो फ्रंट सीट्स पे भी हेडरेस फिक्स थे, होंडा ने इस वाली अमेज में हेडरेस फिक्स नहीं किए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं हेडरेस, जो काफ़ी अच्छी बात है होंडा की। एक बार मैं आपको इसे सीट एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। इसमें आपको इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, मैनुअली ही करनी पड़ेगी। इससे आप लंबर स्पोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आप हाइट, जैसे कि आप देख सकते हो, इससे आप लेगरूम इंक्रीज कर सकते हैं। हम नई वाली अमेज़ अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है। इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, लेदर स्टीयरिंग व्हील है। इधर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिलती है, ऑडियो मीडिया या इस जो भी आपके इधर इंफोटेनमेंट सिस्टम के। इधर आपको MID और क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, इसे आप सेट कर सकते हैं। इधर आपको वाइपर से कंट्रोल्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे है। इधर आपको इंडिकेटर से मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पर i-VTEC है इसलिए इसी RPM 8000 तक जा सकती है। इधर आपको MID डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे आप कर भी सकते हैं, अगर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन जाननी है, जैसे अभी तक ये 0 किलोमीटर चली है, या रेंज, या फिर 8.1 किलोमीटर, और कितना टाइम हुआ है, कितने डिग्री टेम्परेचर है। इसे जो टॉप स्पीड है वो है 180 किलोमीटर पर आवर की, और ये ऑलमोस्ट 160 तक जा सकती है। इधर आपको मिलता है डीजी पैड होंडा की तरफ से, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जैसे कि एक बार मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, इसमें आपको नेविगेशन मिलता है, उसमें आपको कार्ड डालना पड़ेगा। इसमें आपको मिरर लिंक मिलता है, एप्पल कार्ड प्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलते। एक बार मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, जैसे होंडा सिटी में मिलती है। इधर आपको पार्किंग इंडिकेटर्स मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको रियर में कोई एसी वेंट नहीं मिलता, फ्रंट में एसी वेंट मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं। साथ में इधर आपको एल्यूमिनियम की फिनिश मिलती है। इधर 2 एसी वेंट मिलती है, इधर एक और उधर एक, तो टोटल 4 एसी वेंट्स मिलते हैं। इस गाड़ी में सेफ्टी में आपको EBD मिलता है, ABS मिलता है, 2 एयरबैग मिलते हैं, वो जो होंडा ने स्टैंडर्ड किया, बेस मॉडल है या टॉप मॉडल। इधर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी पावरफुल है। तो इसमें होंडा ने रियर एसी वेंट्स इसलिए नहीं दिए, क्योंकि होंडा ने खुद बोला कि उन्होंने कंप्रेसर का साइज़ बढ़ा दिया, इस वजह से रियर में एसी वेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल डीजल में। अगर आप लेते हो ऑटोमेटिक तो आपको CVT ट्रांसमिशन मिलती है। इधर आपको मिलती है लेदरेट हैंड ब्रेक, साथ में अपने मोबाइल वगैरह रखने की जगह। इधर आपको मिलती है 2 कप होल्डर्स, चाबी रखने की भी जगह मिलती है, पावर आउटलेट, 12V USB सॉकेट, ऑक्स USB, एंड ये फास्ट चार्जर है 201.5 एम्पीयर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये 1.0 एम्पीयर, इसमें आपको कोई मेरे ख्याल से कोई ऑक्स इनपुट नहीं मिलता दोस्तों इसमें कोई। जैसे कि एक बार मैं आपको इसका रियर मिरर दिखा देता हूँ, ये ऑटो डिमिंग नहीं है, इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा वैनिटी मिरर है, काफ़ी चीप वैनिटी मिरर है, मतलब ये तो बहुत पुरानी गाड़ियों में आता था ऐसे, तो होंडा की क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। ड्राइवर साइड पर आपको मिरर ही नहीं मिलता, और कोई मतलब रसीट वगैरह रखने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। इधर आपको हैंडल्स मिलते हैं, पर ये फिक्स्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं पुरानी होंडा सिटी में आता था। मैं आपको इसे ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों इसे ग्लव बॉक्स, इसमें आपको फर्स्ट एड किट मिलती है, मैनुअल्स मिलती है, ब्रोशर मिलता है, सब मिलता है। काफ़ी डिसेंट साइज़ है दोस्तों, ना काफ़ी बड़े ना काफ़ी छोटे, बट क्वालिटी काफ़ी लो है इसी बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर आपको पियानो ब्लेड टचेस मिलते हैं होंडा की तरफ से, सॉफ्ट प्लास्टिक है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने आपको बोला था मैं इससे आपको ORVM से रिट्रैक्ट करके दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो आप एक बार और बटन दबाइए, ये क्लोज हो जाइए। मैंने अभी आपको इसे रिट्रैक्ट करके दिखाया, मैं बताता हूँ अगर आपको ORVM सजेस्ट करनी है वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है,
या फिर आप देख सकते हैं लेफ्ट या राइट, अगर आप तो राइट वाला करना राइट वाला, वरना लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला, हम आपको राइट वाला करते दिखाते हैं। इधर आपको एक सर्कुलर बटन दिया जाता है, उसमें आपको कौन सी पोजीशन पे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं जस्ट हो रहा है। अब एक बार मैं आपको सब बूट दिखा देता हूँ। बूट बूट के लिए आपको इधर आपको एक हुक मिलता है, उसको आप खींच सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। अब हम चलते हैं ऐसे बूट की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसा बूट दिखाते हैं। बूट के लिए इधर आपको जैसे कि देख सकते हैं बटन है, इसे बूट खुल गया। इधर आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है नंबर प्लेट के ऊपर, इसमें आपको 420 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको इसके नीचे ही मिलता है। स्टील व्हील है, होंडा ने क्रॉस कटिंग की है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 14 इंच है। इधर आपको टूल किट मिलती है काफ़ी, मतलब अपने इस सेगमेंट में ये सबसे स्पेशियस बूट है डिज़ायर से भी ज़्यादा, और MEO या फिर आप ले टाटा जी टिगोर। और मैं इधर आपको मिलते हैं तो इधर मतलब आपके बूट में कोई भी कवर कवर नहीं मिलता, जैसे सारी वायर दिख रही है। होंडा को इधर कवर डालना चाहिए था, जैसे होंडा ने सिटी पे डाला है। दोस्तों मैं आपको इससे थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जो मेज़ है इसमें आपको इसी जो लेंथ है वो है 3995 mm, विथ है 1695 mm, हाइट है 1501 mm, और जो व्हील बेस है वो है 2470 mm। तो होंडा ने इसे व्हील बेस इंक्रीज किया पुरानी वाली अमेज़ से, और इसकी वजह से रियर सीट में 3 adults आराम से बैठ सकते हैं। जैसे कि आप लोग तो होंडा गाड़ियाँ बनाते हैं अपनी फिलोसफी पे, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, उस हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आ रहा है। अब हम चलते हैं इसे बोनट की तरफ और दिखाते हैं आपको इसका इंजन और बताते हैं इसे स्पेसिफिकेशन। बोनट होना का यहाँ पे आपको एक बटन दिया जाए, उसे आपको पुल करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे बोनट खुल चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंजन। अगर आपको इससे बोनट खोलना है तो आप हुड दिया गया उसको आपको, भाई काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप इसे इंजन देख सकते हैं, पेट्रोल में आपको मिलता है 1.2 i-VTEC इंजन 1200 cc का। इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 90 bhp की पावर और 810 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये होंडा के इंजन अर्थ ड्रीम्स पे प्लान किया गया है, अभी मतलब इंडियंस कार्स पे ड्रीम्स नहीं लिखा होता, पर जैसे आप बाहर की गाड़ियों में देखते हो होंडा उधर उसके इंजन कवर पे आपको ड्रीम्स लिखा होता है। वही डीजल में आपको डीजल का इंजन, डीजल में आपको मिलता है 1500 cc का इंजन, और वो प्रोड्यूस करते हैं 99 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हो तो डीजल में लीजिए, होंडा ने काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट किया डीजल इंजन में, उसमें आपको टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है, पावर भी ज़्यादा मिलती है, उसकी पिकअप भी ज़्यादा होगी। तो वैसे मैं हमेशा आपको कहूँगा कि अगर आप कोई भी होंडा लेते हैं तो पेट्रोल में लीजिए, पर अमेज़ आप डीजल में लीजिए। तो इसमें मैं आपको इसी माइलेज और कलर ऑप्शंस बता देता हूँ। ये आप देखे रेडिएंट रेड, इसमें आपको टोटल पांच कलर ऑप्शंस मिलते हैं। रेडिएंट रेड, वाइट ऑर्चर्ड पर्ल, सिल्वर मेटेलिक, ब्राउन मेटेलिक एंड मॉडर्न स्टील मेटेलिक। मॉडर्न स्टील मेटेलिक और सिल्वर मेटेलिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसे जो एवरेज है ये पेट्रोल मैनुअल आपको देता है 17.8 km/l की, वही आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक देता है 19 km/l की, और डीजल ऑटोमेटिक देता है 23.8 km/l की, और डीजल मैनुअल देता है 26.12 km/l की। दोस्तों अब हम आपको इसी स्मार्ट की दिखाते हैं जो होंडा प्रोवाइड कराते हैं मेरे से टॉप मॉडल में, देख सकते हैं। इधर आपको लॉक अनलॉक या फिर बूट खोलने के लिए कंट्रोल्स दिए जाते हैं। पीछे आपको होंडा जी साइन मिलता है और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म है तो आप इसी की मैनुअली भी खोल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। जो लोअर मॉडल में दोस्तों आपको सिंपल की प्रोवाइड कराता है, ये टॉप मॉडल इसमें आपको स्मार्ट की प्रोवाइड कराता है। और एक बार और मैं आपको सीट का फ्रंट दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आपको सीट का जो फ्रंट है उसमें आपको बूट कंट्रोल्स के ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर आपको उसे बूट करना तो आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताइए आपको अमेज़ कैसी लगी, और अमेज़ और वर्सेस डिज़ायर आपको इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है।